श्रीकानपुर के रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और तस्वीरें जरा आप देखिए, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीकानपुर के दौरे पर, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, साथ ही लाइव तस्वीरें आपको श्रीकानपुर से दिखा रहे हैं, क्योंकि श्रीकानपुर के रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद उतरे हुए हैं। आपको जानकारी दे दी कि भजनलाल शर्मा श्रीकानपुर के दौरे पर हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, एक बड़ा हुजूम, पूरी सिक्योरिटी उनकी नजर आ रही है, और एक बड़ा हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद रण में उतरे हैं। और आपको जानकारी दे दी कि गुरुद्वारा सिंह सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे और गुरुद्वारा में मत्था टेक अरदास करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे, रोड शो के बाद भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, देखिए खुद मुख्यमंत्री उतर चुके हैं श्रीकानपुर विधानसभा के रण में, जरा आप जानकारी दीजिए। इंदु, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल अभी हेलीपैड से रवाना होके गुरुद्वारा सिंह सभा श्री करणपुर में पहुंचने वाले हैं। जस्ट कभी भी किसी भी क्षण गुरुद्वारा के अंदर वो प्रवेश कर सकते हैं और यहां से अरदास करेंगे और मत्था टेक कर थोड़ी देर गुरुद्वारा के अंदर सिख संगत से मुलाकात करेंगे। उसके बाद में यहाँ से रोड शो होगा, तो 1 किलोमीटर लंबा ये भजनलाल शर्मा है जो मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे, उसके बाद में सभा स्थल पर जाके सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि यहाँ गुरमेल सिंह कुंदर कांग्रेस प्रत्याशी नीके निधन के बाद में जब चुनाव स्थगित हुए थे, उसके बाद में दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं, 5 जनवरी को चुनाव होंगे। इसी सिलसिले में पहला चुनावी दौरा है भजनलाल शर्मा का, जब इस तरीके से श्री करणपुर ये पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल सुनील, और देखिए इसके बाद रोड शो भी किया जाएगा और भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, उसको लेकर भी जरा जानकारी साझा करें। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद श्रीकानपुर पहुंचे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं श्रीकानपुर से। आपको बता दें कि गुरुद्वारा सिंह सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और अरदास करते हुए नजर आएंगे, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी वो करेंगे और गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे। एक बड़ा हुजूम उनके साथ में नजर आएगा, लेकिन फिलहाल आप गुरुद्वारे से तस्वीरें देख रहे हैं, श्रीकानपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री अरदास करते हुए नजर आएंगे, प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे। एक बड़ा हुजूम उनके साथ नजर आएगा, रोड शो के बाद भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो उनका पहला श्रीकानपुर का ये दौरा और तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। गुरुद्वारा सिंह सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मत्था टेक कर अरदास करेंगे गुरुद्वारे में। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है श्रीकानपुर से, ये लाइव तस्वीरें जरा आप देखिए, और लगातार हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, देखिए आप जानकारी भी दे रहे थे कि अरदास करेंगे मुख्यमंत्री और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे, और उसके बाद देखिए सुनील रोड शो भी किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा और अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, उसको लेकर भी जरा जानकारी साझा करें। देखिए इंदु, आप जिस तरीके से विजुअल में आप साफ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल गुरुद्वारा के अंदर आ चुके हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक रहे हैं और अरदास कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, और यहाँ से अभी थोड़ी देर में करीब 15 मिनट यहाँ पे रुकने का इनका कार्यक्रम है। साध संगत से ये मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, और राष्ट्रीय दिवस है 4 शहीद यादों का आज, तो उसके उपलक्ष्य में चर्चा करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद में यहाँ से भजनलाल शर्मा है, थोड़ी देर बाद में निकलेंगे और रोड शो करेंगे। करीब 1 किलोमीटर लंबा इनका भजनलाल शर्मा का रोड शो होगा और उसके बाद में सभा स्थल में जाएंगे और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिद्धि के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और भजनलाल शर्मा का पहला चुनावी दौरा है इंदु, क्योंकि जो उपचुनाव है जो राजस्थान में चुनाव संपन्न हो गए, उसके बाद में भजनलाल शर्मा है जो पहली बार श्री गंगानगर की धरती श्री करणपुर में पहुंचे हैं और यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और देखिए सुनील आपसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि कितने बजे ये रोड शो है जो शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद एक बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, तो उसको लेकर भी जरा आप जानकारी दीजिए।
बिल्कुल इंदू, आप देख सकते हैं कि डाक संगत है गुरुद्वारा के अंदर अरदास हो रही है और सभी जो चार साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी के उनकी शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री यहाँ पे गुरुद्वारा के अंदर अरदास कर रहे हैं और यहाँ से अभी जो रोड शो होगा इंदू वो करीब 1 किलोमीटर लंबा होगा और अभी चार समय से इनका मुख्यमंत्री भजन लाल का मिलने का कार्यक्रम है और अभी अभी अरदास चल रही है। कुछ देर बाद में अरदास करने के बाद में ये प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करके और जो साध संगत है जो गुरुद्वारे मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद में यहाँ से निकलेंगे और निकलते ही तुरंत गुरुद्वारे से निकलने के साथ इनका रोड शो है जो शुरू हो जाएगा और करीब 1 किलोमीटर का लंबा इनका रोड शो होगा मुख्यमंत्री भजन लाल का और उसके बाद में ये सभा स्थल पर जाएंगे। सभा स्थल पर जाकर और सभा को संबोधित करेंगे और जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में और आगे 5 साल में इनको क्या करना है, क्या योजनाएं लेके आएंगे इसके बारे में ये जानकारी देंगे और जो भाजपा प्रत्याशी है उसके समर्थन में ये जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल सुनील, देखिए रोड शो भी करेंगे और जनसभा भी करेंगे, तो जनसभा को लेकर एक बार आपसे जानकारी लेना चाहेंगे वो इसलिए क्योंकि कितना हुजूम वहां पर नजर आएगा क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार श्री करणपुर पहुंचे हैं, ऐसे में एक बड़ा हुजूम वहां पे पहुंचेगा ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है और तमाम जो योजना है किस तरह से कार्य किया जाएगा उसको लेकर भी वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल इंदू, क्योंकि मुख्यमंत्री जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा उनको देखने के लिए जो क्योंकि नया चेहरा है मुख्यमंत्री का भजन लाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने लोगों में एक क्रेज है भी हाँ मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा है तो उनको देखने के लिए भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बड़ी बात ये भी हेलीपैड पे भी अच्छी खासी संख्या में लोग वहाँ पे पहुंचे थे, जो लोकल नेता थे वो भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद में साथ साथ ये भी यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर भी बहुत से ऐसे जैसे लोग हैं जो लोकल लोग हैं या जो भाजपा कार्यकर्ता है वह पहले ही गुरुद्वारे के अंदर मौजूद थे और इनका मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे और जैसे मुख्यमंत्री आए तो उनके साथ मिलने का क्रम है जो वो शुरू हो गया। अभी जो फिलहाल गुरुद्वारा के अंदर अरदास हो रही है और मुख्यमंत्री है जो खुद अरदास कर रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं। बस यहाँ से कुछ देर बाद में मुख्यमंत्री है जो रवाना होंगे और जो सभा मेयर जी का भीड़ मौजूद है उनको ये संबोधित करेंगे। फिलहाल अरदास इंदू जो है जो अभी संपन्न होती है और उसके बाद अभी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो बैठे हैं और जो मैंने जैसे आपको बताया जो यहाँ पे जो साथ संगत मौजूद थी जो लोग मौजूद थे उनसे है जो बातचीत इन्होंने शुरू कर दी है और अभी मुख्यमंत्री भजन लाल जो चार साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादे थे उनके शहीदी दिवस पर राष्ट्रीय दिवस है जो मनाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी ले रही है और जानकारी दे भी रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो राष्ट्रीय दिवस है जो चार साहिब चादों के शहीदी दिवस के शहीदी दिवस पर ये मनाने का संकल्प लिया और ये शुरुआत की है। तो आज राष्ट्रीय दिवस भी है और जनसभा भी है तो दोनों चीजें हैं जो साथ में चल रही है और जो अभी मौजूदगी है जो नेताओं की यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है सुरेंद्र पाल सिंह की वो उनके साथ मौजूद है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो भी यहाँ पे मौजूद है और राष्ट्रीय मंत्री विजेंद्र पूनिया वो भी इनके साथ मौजूद है और कई भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो उनके साथ मौजूद है। बिल्कुल सुनील, और हम तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि अरदास मुख्यमंत्री ने कर ली है और इस अरदास में प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की और साथ ही अब कुछ ही देर में रोड शो वो करेंगे, यहां से निकलकर फिर जनसभा करेंगे, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल अरदास कर ली गई है और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई।
तो श्री करणपुर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्री करणपुर पहुंचे हैं और आपको जानकारी दे दें कि गुरुद्वारे में मत्था टेक कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरदास की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और उसके बाद का पूरा कार्यक्रम भी हम आपको बता देते हैं। आपको जानकारी दे दें कि गुरुद्वारे से निकलकर मुख्यमंत्री जो है रोड शो करेंगे, 1 किलोमीटर लंबा रोड शो ये चलेगा और रोड शो के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। मुख्य बाजार से होते हुए रोड शो जाएगा जहाँ पे एक बड़ा हुजूम बड़ा काफिला मुख्यमंत्री का नजर आएगा। और देखिए क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री पहुंचे हैं श्री करणपुर में, ऐसे में जो आम लोग हैं वो भी मुख्यमंत्री को देखने के लिए आएंगे क्योंकि नया चेहरा है, ऐसे में सभी उत्साहित नजर आएंगे। और अगर इसके बाद की बात की जाए तो अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम हम आपको एक बार बता रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, तो रोड शो किया जाएगा, रोड शो के बाद जनसभा। और देखिए रोड शो से पहले गुरुद्वारे में अरदास मुख्यमंत्री ने की और आपको जानकारी दे दें कि अरदास मुख्यमंत्री ने करते हुए प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना रखी और अब कुछ ही देर में गुरुद्वारे से वो जब निकलेंगे तो रोड शो करेंगे मुख्य बाजार से होता हुआ ये रोड शो। और देखिए अब मुख्यमंत्री जो है रोड शो करने के लिए यहां से निकलेंगे कुछ ही देर में, वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। और लगातार सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील देखिए अरदास तो हो चुकी है, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की जा चुकी है, अब रोड शो के लिए रवाना होंगे क्योंकि आप एक बार तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, तो जरा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाए। अरदास हो गई है यहाँ पे और मुख्यमंत्री जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं और जो गुरु गोविंद सिंह जी के चार जो शहजादे थे उनके शहीदी दिवस पर अभी आप देख सकते हैं कि लंगर है जो प्रसादी ग्रहण की है मुख्यमंत्री भजनलाल ने, तो यहाँ से अभी रवाना हो रहे हैं और रोड शो करेंगे। अभी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल, तो उसको लेकर बस अभी बाहर निकलेंगे और अभी जो अरदास है उन जो है जो भी संपन्न हुई है और उसको लेकर अब बातचीत, हालांकि मीडिया से भी ये बातचीत कर सकते हैं। और बिल्कुल सुनील हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरें और दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं क्योंकि अरदास करके अब मुख्यमंत्री निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सुनील क्योंकि रोड शो किया जाएगा मुख्य बाजार से होते हुए रोड शो निकलेगा, तो ऐसे में कुछ ही देर में रोड शो के लिए रवाना होंगे, लेकिन फिलहाल अभी गुरुद्वारे में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल गुरुद्वारे के बाहर, अरे यार गुरुद्वारे से बाहर निकलेंगे अभी, फोन या तो मोबाइल छोड़, हेलो। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमें जानकारी भी दे रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जो हैं अब गुरुद्वारे से निकल रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि गुरुद्वारे से जब मुख्यमंत्री निकल जाएंगे तो उसके बाद मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे और रोड शो के माध्यम से एक बड़ा हुजूम उनके साथ चलता हुआ नजर आएगा, पूरा काफिला नजर आएगा और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वो माहौल बनाएंगे। और न केवल रोड शो किया जाएगा बल्कि रोड शो के बाद एक बड़ी जनसभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे और उसके माध्यम से भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में वो माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा का श्री करणपुर का ये पहला दौरा है और देखिए यहाँ पे 5 जनवरी को चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसे में उससे पहले कोशिश की जा रही है माहौल बनाने की, रोड शो के माध्यम से खुद मुख्यमंत्री माहौल बनाएंगे। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि उनके साथ प्रत्याशी मौजूद हैं, साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनके साथ मौजूद हैं, वो भी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि रोड शो और रोड शो के बाद जनसभा और इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में अरदास की और अरदास में प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में सबसे पहले मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद अरदास की और अरदास में प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। और आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम बनने के बाद श्री करणपुर में उनका ये पहला दौरा है और ऐसे में आज अपने प्रत्याशी के पक्ष में वो माहौल बनाने के लिए पहुंच रही है। आपको जानकारी दे दें कि गुरुद्वारे से मुख्यमंत्री सीधा रोड शो के लिए निकलेंगे, मुख्य बाजार से होते हुए 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जिसके अंदर मुख्यमंत्री अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और उनका काफिला उनके साथ में नजर आएगा
और 1 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद मुख्यमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी जनसभा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्री करणपुर आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के अंदर उत्साह है कि नए मुख्यमंत्री को वो देखना चाहेंगे और साथ ही उस जनसभा में आना चाहेंगे। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ा हुजूम जनसभा भी नजर आ सकता है क्योंकि नया चेहरा है मुख्यमंत्री का, तो ऐसे में इस नए चेहरे को लेकर जनता के बीच में उत्साह है और बड़ी जनसभा होगी। साहिब जादू क्या कहना चाहेंगे? बोले सोनिया सर, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, चार साहिब जादू क्या कहना चाहेंगे सर? तो देखिए बातचीत करने की भी हमारे सहयोगी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री जो है बातचीत करते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश लगातार जारी है और आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। देखिए कोशिश यहां पर की गई मुख्यमंत्री से बातचीत करने की लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और गुरुद्वारे से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं, अपनी गाड़ी में मुख्यमंत्री जो है बैठ रहे हैं। आप देखिए इसी गाड़ी में बैठकर जो है मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। एक बड़ा काफिला उनका जो है मुख्य बाजारों से होता हुआ निकलेगा। 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो श्रीकरणपुर में अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश, तो 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा और रोड शो की बात की अगर बात की जाए तो उसके बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। रोड शो से सीधा वो जनसभा स्थल जाएंगे, वहां पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद है और जरा काफिला आप देखिए क्योंकि अब रोड शो के लिए काफिला निकलेगा, मुख्य बाजारों से होते हुए काफिला निकलेगा। 1 किलोमीटर तक रोड शो किया जाएगा, रोड शो के बाद जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित करेंगे। तो श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में खुद उतरे हैं सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा और सबसे पहले श्रीकरणपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुद्वारे में गए, गुरुद्वारा सिंह सभा में वो गए और वहां पे उन्होंने सबसे पहले मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद अरदास की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई और उसके बाद गुरुद्वारे से वो बाहर निकले, अपनी गाड़ी में वो बैठे और अब यही गाड़ी है जो रोड शो करती हुई नजर आएगी और इसी गाड़ी के माध्यम से ये रोड शो किया जाएगा और मुख्यमंत्री का काफिला उनके साथ आगे बढ़ता जाएगा। तो 1 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है और आपको जानकारी दे दें कि इस रोड शो के माध्यम से मुख्य बाजारों में जो है माहौल बनाने की कोशिश, क्योंकि मुख्य बाजार से होता हुआ ये रोड शो निकलेगा तो ऐसे में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। और देखिए आप आसपास देख पा भी रहे होंगे कि कैसे एक बड़ा जो हुजूम है, लंबी कतार यहाँ पर नजर आ रही है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा नया है और इस नए चेहरे को लेकर लोग उत्साहित है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को देखने के लिए जो लोग हैं वो रोड शो में नजर भी आ रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि इसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लाइव तस्वीरें श्रीकरणपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है। श्रीकरणपुर के रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो लाइव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि सूबे के मुखिया खुद श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव के रण में उतरे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी भी आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी आप तक जानकारी साझा कर रहे हैं और रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, सहाय अजा हर गोविंद।